एंड ये भी एडजस्टेबल हैं तो हम इनको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं एंड एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ कनिका त्यागी और मेरे चैनल पर आपको मिलती है बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन और आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी स्पोर्ट्स ब्रा के ऊपर उसके बाद से मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि दी हमें कौन सी ब्रा पहननी चाहिए स्पोर्ट्स ब्रा ज़्यादा बेटर होती है या फिर रेगुलर टी शर्ट ब्रा ज़्यादा बेटर होती है तो आज मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको एकदम डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आपको कौन सी ब्रा एक्चुअल में पहननी चाहिए पोस्ट ब्रा कब पहनी चाहिए और रेगुलर ब्रा कब पहनी चाहिए और इसके अलावा भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत टाइम हो गया है वैसे तो तो वो आर्टिकल ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर था तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रीजन बताए गए थे जिसमें से एक रीज़न ये भी था जब आप गलत फिटिंग की आ, कोई चीप ब्रा पहनते हैं तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तब से मुझे बहुत कंसर्न रहता है कि मेरे जो अंडर गारमेंट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हों और एकदम परफेक्ट फिटिंग के हों जो हर किसी को इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि जो आपके अंडर गारमेंट्स है वो आपके परफेक्ट साइज के हों आपको सही फिटिंग उनकी आती हो बहुत ज्यादा टाइट ना हो और बहुत ज्यादा लूज भी ना हो आपको एकदम परफेक्टली फिट होनी चाहिए दूसरा जो उनका फैब्रिक है वो माइक्रोफाइबर का बना हो जो कि बैक्टीरिया फ्री फैब्रिक होता है उसका बना होना चाहिए तो जैसा कि मैं आपके साथ कुछ दिनों से शेयर कर रही हूँ अंडर गारमेंट्स के ऊपर वीडियोस स्पेशली ब्रा के ऊपर तो अगर आपने नोटिस किया है तो वो सब मैंने कैमिसन डॉट इन से ख़रीदे हैं मैंने कैमिसन डॉट इन से ये सब क्यों ख़रीदा है बिकॉज ना सिर्फ मुझे कैमिसन की वेबसाइट पर एक परफेक्ट ब्रा साइज़ का चार्ट मिल रहा है जहाँ से मैं अपना परफेक्ट साइज़ ढूंढ पा रही हूँ इनके जो अंडर गारमेंट्स की क्वालिटी है वो सुपर्ब है बहुत ही सॉफ्ट है फैब्रिक के बने हैं जो बैक्टीरिया फ्री होते हैं तो आज भी जो मैं आपको स्पोर्ट्स ब्रा और रेगुलर ब्रा के बारे में डिफरेंस बताने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी भी मेरे पास यहाँ दोनों तरह की ब्रा हैं तो पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ तो जो स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं जैसा कि नाम से ही है स्पोर्ट्स आपको स्पोर्ट्स के टाइम पर पहननी होती है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए लाइक डांस करते हुए लाइक एक्सरसाइज करते हुए योगा करते हुए फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका एरिया ज़्यादा बाउंस होता है उस टाइम पे आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए मेरे पास यहाँ पे ये कैमिसन डॉट इन से ली हुई स्पोर्ट्स ब्रा है तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट है इसमें डबल लेयर फैब्रिक यूज किया गया है जिसकी वजह से ये कोई भी एक्टिविटी करते हुए स्वेटिंग को कंट्रोल करता है साथ में जो इसके बैंड पे ये इलास्टिक दी गई है ये भी सॉफ्ट इलास्टिक है और उसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है जिसकी वजह से ये बस्ट एरिया को काफी सपोर्ट देती है ये वाली चीज़ है यहाँ पे जो इलास्टिक और स्टिचिंग दी गई है ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ये एक्टिविटी करते हुए बस्ट को बहुत ही सपोर्ट देती है और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराती है साथ ही इसकी जो है ये भी काफी है जिससे इससे में रहता है, 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 है। क्योंकि जो जिम वेयर होते हैं या फिर जो डांस वेयर होते हैं वो नॉर्मली टी शर्ट्स होती हैं प्लेन टी शर्ट्स होती है तो प्लेन टी शर्ट्स के नीचे जब आप अपनी रेगुलर ब्रा पहनते हैं तो उनमें स्टिचिंग दी हुई होती है जिसकी वजह से वो विजिबल हो सकती है टी शर्ट के बाहर लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कोई स्टिचिंग नहीं दी गई है इसलिए इनको डांस के टाइम पर आप जिम के टाइम पर या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम पर पहन सकते हैं बिल्कुल कम्फर्टेबली पहन सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है तो, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्पोर्ट्स ब्रा कब कब पहनी है एंड बस यहाँ पे ये रेगुलर ब्रा जो कि मैंने कैमिसन डॉटिन से ली है एंड इसकी क्वालिटी भी सुपर है ये भी माइक्रोफाइबर की बनी है जो कि बैक्टीरिया फ्री होते हैं सो so, इसमें भी डबल लेयर दी हुई है जो स्वेटिंग को कंट्रोल करता है दूसरा इस स्पोर्ट्स ब्रा और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कप साइज़ पे स्टिचिंग दी जाती है जिसकी वजह से इसे आप अपने टाइट स्पोर्ट्स वाले कपड़ों के नीचे नहीं पहन सकते हैं सो so, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए देन अब रेगुलर यूज़ में अपने सूट के नीचे ब्लाउज के नीचे आपको ये वाली ब्रा पहननी चाहिए इनकी स्ट्रैप्स जो होती हैं वो पतली होती हैं चोड़ी नहीं होती है तो ये ज़्यादा विजिबल नहीं होती है इनकी बैक साइड में बहुत पतली होती है जिसकी वजह से ये डीप नेक सूट या फिर ब्लाउज़ के नीचे विजिबल नहीं होती हैं फ्रंट में भी ये काफ़ी डीप होती हैं सो ये हमारे कपड़ों के नीचे विजिबल नहीं होती है साथ ही में ये हमें कम्फर्ट देती हैं साथ ही में ये रेगुलर यूज़ के लिए बेस्ट होती है क्योंकि ये रेगुलर यूज़ में हमें कम्फर्ट देती हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देती हैं इनकी जो इलास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इनका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी बहुत सुपर है और स्टिचिंग तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है मैं आपको पास से इनकी स्टिचिंग दिखाना चाहूंगी एक बार तो आप यहाँ से ये वाली चीज़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ये दी हुई है और एकदम प्रॉपर दी हुई है बिल्कुल इसके निकलने का या लूज होने का कोई डर नहीं है साथ ही इसके जो ये हुक है इसकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से ये भी लूज़ नहीं होगा एंड आप इनकी स्टिचिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉपर स्टिचिंग इन्होंने दी हुई है बहुत पसंद आई है कैमिसन डॉट इनके अंडर गार्मेंट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं एंड इनकी जो स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल हैं सिर्फ एडजस्टेबल ही नहीं है इन रेगुलर ब्रा के साथ में इन्होंने एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी दी हुई हैं जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स हैं तो हम इसको यहाँ से ईजिली रिमूव कर सकते हैं जब हमें कोई ऐसा आउटफिट पहनना होता है जिसमें हमें लगता है कि शायद हमारी स्ट्रैप्स विजिबल हो सकती हैं इन वाले स्ट्रैप्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं लाइक like दिस और इसमें ये वाले स्ट्रैप्स लगा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की दी हुई है ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है बहुत ही सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये वाले स्ट्रैप्स इसमें लगा सकते हैं और ये भी एडजस्टेबल है एंड ये भी एडजस्टेबल है तो हम इनको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइक दिस तो आई सजेस्ट कि डेली वेयर में आपको इस तरह की ब्रा पहननी चाहिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए आपको इस तरह की ब्रा पहननी चाहिए ये वाली जो ब्रा होती है ये हमारे बस्ट एरिया को शेप भी देती है अकॉर्डिंगली दोनों चूज कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहनी है एंड कब आपको रेगुलर ब्रा पहनी है एमेसन yeah. डॉट इन पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं आजकल तो इनकी वेबसाइट पर साइज चार्ट भी अवेलेबल है आप अपना परफेक्ट साइज पता कर सकते हैं और इनके ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं सुपर क्वालिटी है बहुत ही सॉफ्ट है मेरे पास स्पोर्ट्स ब्रा भी दो हैं ब्लैक एंड ब्लू कलर में और ये भी मेरे पास दो हैं पिंक एंड रेड कलर में जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना सो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट यूजफुल सी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय